में हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, जब कल जो घटना घटित हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि जो झंडा लहराया गया वो भी उन्हीं का व्यक्ति था, जो उससे साफ हो गया। आज तमाम वीडियो शेयर हो रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया फोटो शेयर हो रहे हैं उस व्यक्ति का। तो हर किसी न किसी किसान नेताओं के भी मोदी के साथ या किसी अन्य पार्टी नेताओं के साथ पहले ही कह चुके थे कि हमारा छोटा भाई है। भाजपा के सांसद सन्नी देओल जी पहले ही कह चुके थे कि हमारा छोटा भाई है। तो जब छोटा भाई कह चुके हैं तो फिर सिद्ध होता है कि ये उनका आदमी था। दूसरी बात, अगर तिरंगा किसी व्यक्ति ने किसी धर्म का तिरंगा लाल किले पर लहरा दिया तो गलत हो गया, लेकिन अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने पार्टी का झंडा लहराता है तो वो राष्ट्रद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। मतलब हम लोग अगर ट्रैक्टर मार्च करते भाई साहब, हम लोग अगर ट्रैक्टर मार्च करते हैं और सीने पर तिरंगा लेकर चलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे बोलते हैं, तो हम लोग देशद्रोही हैं। और ये चोर निठल्ले निकम्मे लोग, झूठे जुमलेबाज लोग, यदि किसी पार्टी का तिरंगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर यदि लहराते तो वो देशद्रोही नहीं है। हमारा सवाल उनसे है कि अगर वो आतंकवादी हैं कि ये आतंकवादी है, हम लोग तमाम उन लोगों का विरोध करते हैं जो गलत हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये किसान भारत को जोड़ने की बात करता है, भारत को बांटने की काम नहीं करता है। ये क्या कहते हैं, बिल वापसी नहीं होगी? हम बता देना चाहते हैं, अभी तो एक टेलर था, एक ही चूड़ी चढ़ी है। जब मान लो किसी ट्रैक्टर का कोई बोल्ट ढीला है आपना, तो फिर किसान उसे टाइट करते हैं। अभी तो सिर्फ एक चूड़ी चढ़ी है, देखते जाओ जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है चूड़ी टाइट होती जाएंगी। ये तो टेलर था, पिक्चर तो बाकी है। और इन्हें से कह देना चाहते हैं कि जो बिल है उसे ठंडे पानी से गोली समझ कर, टैबलेट समझ के खा लो, उसमें आपकी भलाई है। और ये जैसे कल के घटनाक्रम के बाद कुछ किसान नेताओं के बयान आए हैं, जैसे सरदार वीएम सिंह का बयान आया कि हम ये जो धरना है वो वापिस लेते हैं और वो यहाँ से चले गए, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, ये धरना सिर्फ एक सरदार जी का नहीं था, वीएम जी का। ये धरना गांवों के किसान, जवान, मजदूर, महिलाओं का है। ये धरना सरदार जी नहीं चला रहे, हम जैसे पगलाऊ चला रहे हैं जो पैदल चल के आए हैं, जो भारत से आए हैं, भारत मतलब जनता, फिर नेता भी गांव नेता नहीं चला रहे हैं, खासकर गांव से आए हैं, तो सही है। जो मठा और लठा लेके आए हैं, मठा जान तो हम गांवों से आए, हम चाय पीवे आए रहे, मठा पीवे आए, गांव के लोग चला रहे हैं। भारत इस आंदोलन को चला रहा है, भारत इस आंदोलन को चला रहा है, इंडिया इस आंदोलन को नहीं चला रहा है। इस डिजिटल विकास की आड़ में इन जुमलेबाजों ने भारत को भी दो भागों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान, एक भारत, दूसरा इंडिया। तो हम इन भारत वाले लोग हैं, सरदार जी वो बीएम सिंह वाले लोग नहीं है। पुनः जा रहे हैं, उनका स्वागत जाइए। और फिर वो हमारी कमेटी में भी नहीं शामिल, हमारा जो 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है वो लगातार हमारा नेतृत्व कर रहा है, जैसा वो हमें फिर भी वो कम से कम 40 दिन से आपके साथ यहाँ बैठे थे और अचानक तो कौन सा ऐसा काम कर दो जिससे कि हम छाती पीटे कहेंगे सरदार जी बहुत अच्छा काम करे गए, ऐसा कौन सा काम कर दिया हमारे लिए, तो वो बता दो, एक उनकी उपलब्धि बता दो मुझे। यहाँ जो जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके लिए एक काम बता दो कि वो बीएम सिंह जी ये अच्छा काम करके बैठे हुए हैं। ये आंदोलन हम जैसे लोग चला रहे, पगला पढ़े लिखे 70 साल के बुड्ढे जो हरियाणा पंजाब पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आंदोलन नहीं चला। तो कह रहे कि चुनिंदा किसान बैठे हुए हैं, चुनिंदा किसान आप देख लो ना, हम दूर में आप चले जाते हैं, वो सरकार की कुछ भाषा आ जाते हैं चले जाते हैं। सरकार कहती है ना, सरकार क्या कहती है ना, लेने की बात हो रही है ना देने की, सरकार क्या कहती ना लेने की ना देने की, सब कहने की होती है। मोदी भी तो यही कहता है, सर मुंह से कहेंगे ना लेंगे और ना देंगे। और हम क्या चाहते हैं, कहने और की बात नहीं, लिखित में चाहिए, कानून चाहिए, एमएसपी कानून चाहिए, बिल वापसी चाहिए। अभी तो ये देखते रहो, हम जैसे जो क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं ना, जो इन लोगों ने सिखाया है, भारत की संस्कृति ने जो सिखाया है, जो पढ़ाया है लिखाया है, जो अधिकार दिए हैं, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ कितने बड़े आंदोलन होंगे। क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलना और अधिकारों को प्राप्त करना ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे पूर्वजों ने किया। जैसे वीएम सिंह के बयान आए हैं, इससे ऐसा आपको नहीं लगता कहीं कि सरकार तो मंशा चाह रही थी कि इनमें फूट डाल दी जाए, वो कहीं ना कहीं से सही हो रहा है? हमारे जो कमेटी है उसमें किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं है, जो हमारे किसान है उसमें किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं है। एक व्यक्ति है जो अपना कमेटी में शामिल थे, उनका स्वागत है, अगर वो जाना चाह रहे हैं जाए, हमें कोई उससे असर नहीं पड़ रहा। हमारा आंदोलन लगातार निरंतर जारी रहेगा, पहले ही कह चुके हैं बिल वापसी नहीं, हर बस। जहाँ तक आप अपनी बातों पर रुके हुए हैं, सरकार भी अपने अड़ियलपन पर रुकी हुई है कि
कानून किसी भी हाल में वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है। लेना पड़ेगा भैया, लेना पड़ेगा संशोधन तो आएगा। कानून उन्होंने बनाया, बिल उन्होंने बनाया, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें माना है कि 14 में से 9 बिंदु गलत है, और किसानों ने नहीं बनाया, किसान 5 बिंदु बता रहे कि ये गलत है, तो 9 × 5 = 14 उसे ले जा अपने घर पे, हमें जरूरत नहीं है। फिर आप कहते हो हमारी सरकार किसानों की सरकार है, जब कोई बिल किसानों के हित में है ही नहीं या किसानों को लगता ही नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे हित में, समझ में हमें नहीं समझ में आ रहा भैया। हम ILL भी करके हैं, IIT करके हूँ, खेत में पानी लगाते हैं तो हम वो कहते हैं ना कि समझ में नहीं, हमें समझ में अब आया है। वो तो सही रहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं कि अगर 7 साल 5 साल बाद समझ में आता तो शायद ये हमारी जमीनों को अडानी अंबानी के यहाँ क्वारंटाइन कर चुके होते। वो तो समय रहते हमें ये बिल समझ में आ गया और इसलिए हम दिल सड़कों पे आ गए। ये तो हमारे लिए सही बात है कि हम समझ में आ गया, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि बहके हुए किसान है, अभी तो नहीं बहके, लेकिन जिस दिन बहक गए अभी तो सिर्फ हम बिल वापसी की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गद्दी वापसी की बात करने लगे।